हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी करारी एक कप गेहूं के आटे और थोड़े से पोहे से बनने वाली एक कटलेट की रेसिपी, जिसे मैंने अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना कर रेडी किया था। और ये खाने में बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी है, तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया था। तो इसके लिए मैंने लिया एक बड़े कप से पोहा, जिसे मैंने पहले से ही पानी में सोख करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया थोड़े से मटर के दाने, हरे भरे मटर अभी बाजार में काफ़ी मिल जाए और इस खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से पत्ता गोभी, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला थोड़ी सी धनिया पत्ती, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रेडी करके रखा हुआ था। इन सबको डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़े से प्याज, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ था, और मैंने डाला एक कप गेहूँ का आटा। एक कप गेहूं का आटा डालने के बाद मैंने इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड किए थे, तो मैंने डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए कसूरी मेथी, जिससे कि हमारे इस नाश्ते का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इन सबको हमें चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस पोहे और आटे के मिश्रण को हमें अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसे ज़्यादा कड़ा या ज़्यादा गीला हमें नहीं मिलाना है। बिल्कुल इतना बना कर रेडी करना है कि हम इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से कटलेट बना कर रेडी कर सके। ये देखिए, मैंने अपने मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल और इस मिश्रण में से एक बड़े चम्मच के आकार का हम लेके इसे बिल्कुल अपने हाथों पर कटलेट का शेप देते हुए बना कर रेडी करेंगे। आप इसे कटलेट किसी भी शेप में बना कर रेडी कर सकते हैं, बस कटलेट के शेप में बन के काफ़ी टेस्टी और यम्मी लगता है। अब हम इसे करेंगे सेलो फ्राई। इसे सेलो फ्राई करने के लिए मैंने लिया एक फ्राइंग पैन, उस पर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल डाल के मैं एक एक करके अपने सारे कटलेट को इस पर डाल दूंगी। और इसे डाल के हमें बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे उलट पलट करके इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि हमारा कटलेट अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारा ना हो जाए। और ये देखिए, मैंने अपने सारे कटलेट को उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक के रेडी कर लिया है। और ये हमारा यम्मी टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट और ढेर सारी हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ ये हेल्दी कटलेट बन के रेडी हो चुका है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। इसे आप अपने घर पर एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।